प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में बुधवार को दुनिया भर के निवेशकों को भारत में निवेश का न्यौता दिया। भारत के निवेश के माहौल के सकारात्मक पहलुओं को गिनाते हुए मोदी ने इन्वेस्टर्स के कहा कि आपकी उम्मीदें और हमारे सपने पूरी तरह मिलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी तकनीक और हमारा कौशल दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने कहा, हमारा मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आशाओं से भरा है। उनका नजरिया वैश्विक है। अगर आप स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं तो भारत में आएं। हमारी आधारभूत संरचना बढ़ रही है। मेट्रो, सड़क, रेल, एयरपोर्ट में भारी संभावनाएं हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भारत आएं। 100 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। मोदी ने कहा, हमने अपने रक्षा क्षेत्र को खोला है, ऐसा पहले कभी नहीं किया है। अगर आप भारत में और भारत के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आएं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जितना हमारी सरकार निवेश कर रही है उतना पहले कभी नहीं किया। हम आने वाले वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रहे हैं। भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। मोदी ने बताया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किया जाएगा। भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। हम सरकार में आए तो देश की इकोनॉमी करीब $2 ट्रिलियन के आसपास थी। बीते 5 वर्षों में हमने इसमें $1 ट्रिलियन जोड़ दिए। इस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास क्षमता है, साहस है और परिस्थितियां भी हमारे साथ हैं। अब गर्मागर्म और तीखे तेवर में खबरें देना जरूरी हो गया। मोदी ने कहा, हमारे देश में एक घटना हुई थी, कंधार में एक हवाई जहाज किडनैप हुआ था। उस समय नया नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और टीवी था। उन्होंने नागरिकों की बुरी स्थिति को इस तरह दिखाया कि आतंकवादियों का हौसला बढ़ गया। इसके बाद टीवी वालों ने खुद मीटिंग की और ये आत्मनिरीक्षण किया कि हमने क्या गलतियां की। अब कंपटीशन बढ़ गया है, अब गर्मागर्म खबरें और तीखे तेवर में खबरें देना जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया लोकतंत्र का बहुत ताकतवर स्तंभ। मोदी के मुताबिक, सोशल मीडिया लोकतंत्र का बहुत ताकतवर स्तंभ है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है। कुछ मीडिया हाउस ने फेक न्यूज को उजागर करने का काम शुरू किया है। इससे स्थिति सुधरेगी? अब फॉरवर्ड करने का फैशन है, इसे लेकर कोई सॉल्यूशन लाना होगा। मैं खुद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ और मुझे इसके फायदे मिले हैं। उन्होंने बताया कि सुदूर गांव में मुझे कोई घटना सोशल मीडिया से पता लगती है तो एक्शन करवाता हूँ। गुड गवर्नेंस के लिए जो सूचना नीचे से आनी चाहिए उसके लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। सूचना के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है। देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई दशकों के बाद आई। मोदी ने कहा, आज भारत की ग्रोथ के 4 अहम फैक्टर हैं जो एक साथ दुनिया में मिलने वाली शायद अपने आप में रेस्ट कॉम्बिनेशन है। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डिसाइसिवनेस। पहले फैक्टर की बात करूं तो ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई दशकों के बाद आई है। इन हालात में निवेश की सुरक्षा और उसके विकास का भरोसा अपने आप मिलता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे जैसे भारत की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है वैसे ही डिमांड भी बढ़ रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। आज जो बात भारत को विशेष बनाती है वह निर्णय लेने की क्षमता है। बीते 5 साल में पूरे भारत के लिए एकीकृत और पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाने पर ध्यान दिया गया। टैक्स का जाल था पहले और अब GST के रूप में केवल एक टैक्स की व्यवस्था कर दी गई है। 370 मिलियन लोगों को बैंकिंग से पहली बार जोड़ा गया। मोदी ने कहा, ITR और ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए भी हमने काम किया। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया। बहुत कम समय में 370 मिलियन लोगों को बैंकिंग से पहली बार जोड़ा गया। भारत के करीब करीब हर नागरिक के पास यूनिक ID और मोबाइल फोन व बैंक अकाउंट है। इससे टारगेटेड डिलीवरी में तेजी आई, लीकेज बंद हुआ और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। ग्राउंड लेवल पर जाकर व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। मोदी ने कहा, हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर व्यवस्थाओं में सुधार किया है, नियमों को आसान बनाया है। पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उद्योगों को कई साल लग जाते थे, अब कुछ दिनों के भीतर कनेक्शन मिलने लगा है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कई हफ्ते लगते थे और अब कुछ ही हफ्तों में ये काम होता है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और वे भारत में आ रहा। बीते 5 साल में क्या बदलाव आया है उसका उदाहरण है कि 286 बिलियन FDI 5 साल में हुआ है। पिछले 20 साल में हुए विदेशी निवेश का यह 50% है। अमेरिका ने जितना बीते दशकों में निवेश भारत में किया उसका 50% पिछले 5 साल में हुआ है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 90% विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से हुआ है।
निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और वे भारत में आ रहा है। आपकी तकनीक और हमारा टैलेंट दुनिया को बदल सकता है। ब्लूमबर्ग की अपनी रिपोर्ट भी भारत में आ रहे बदलाव की गवाह है। एक सर्वे में भारत को निवेश के लिहाज से पहला नंबर दिया गया है। पॉलिटिकल, करेंसी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, स्ट्रेटजिक लोकेशन, ट्रांसपेरेंसी जैसे सात इंडिकेटर में भारत नंबर वन पर रहा है। आपकी आशाएं और हमारे सपने पूरी तरह मिलते हैं। आपकी तकनीक और हमारा टैलेंट दुनिया को बदल सकता है। पृथ्वी हमारी माता है, हमें उसका शोषण करने का अधिकार नहीं। क्लाइमेट चेंज पर मोदी ने कहा, हम इस विषय पर प्रतिबद्ध है। भारत की जो लाइफस्टाइल है वे दुनिया के लिए बहुत बड़ा। हम सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं और पृथ्वी हमारी माता है, हमें उसका शोषण करने का अधिकार नहीं है। भारत मूलतः उस चिंतन से जुड़ा है, यहाँ नीड का स्थान है पर ग्रीड का स्थान नहीं है। मानवीय व्यवहार को हमें प्रकृति के साथ जोड़कर चलने की आदत बनानी पड़ेगी। 450 गीगावाट का लक्ष्य अब अपने लिए तय किया। मोदी ने कहा, हम समय से आगे चल रहे हैं। हमने 120 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का काम पूरा कर लिया है। मैंने 450 गीगावाट का लक्ष्य अब अपने लिए तय किया है। इसे करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमारी कोशिश है कि इसके लिए जो आवश्यक संभावनाएं हैं उसे बल दिया जाए। एक चुनौती न्यूक्लियर एनर्जी है। हमें फ्यूल की जो सुविधा रहनी चाहिए वे नहीं रहती है। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए अभियान चलाया। अगर यह हो जाए तो हम दुनिया के लिए आदर्श की तरह काम करेंगे। क्लाइमेट चेंज के साथ एक और विषय है पानी। हमने जल जीवन मिशन शुरू किया है। हम ये चाहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार हमारी नदियों को पुनर्जीवित करें, इस पर बल दे रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया है और इसके लिए अभियान चलाया है। यह 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के मौके पर बहुत बड़ा अभियान चलाया जाएगा।